हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं राइट का फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स ऑफ राइट, ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब है राइट का, तो राइट डाउन, आप जानते ही होंगे राइट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, सिंपल क्या हो, लिख लेना, लिख कर रख लेना, ठीक है, लिख कर रख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल दे रहे थे, मैंने नोट्स से लिख कर रख लिया, आई रोट डाउन द नोट्स, ठीक है फ्रेंड्स, आई रोट डाउन द नोट्स। यहाँ पर रूट लिखा क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो रूट, राइट का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं राइट का, राइट ऑफ, राइट का ऑफ का मतलब होता है भुला देना, किसी भी चीज़ को या किसी को भी भुला देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे भुला दी, सी रोट मी ऑफ, वह मुझे भुला दी, सी रोट मी ऑफ। चलिए अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं, राइट आउट, राइट आउट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई भी दस्तावेज तैयार करके जमा कर देना, मतलब सबमिट कर देना, जैसे कुछ भी सबमिट कर देना, जैसे मैंने नोट्स से सबमिट किया सर को, ये भी क्या सबमिट करना, मतलब सबमिट करना ही क्या है, राइट आउट है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, उसने दस्तावेज तैयार करके जमा किया, ही रोट द डॉक्यूमेंट आउट, मतलब ही रोट द डॉक्यूमेंट आउट, उसने दस्तावेज को क्या किया, जमा किया, डॉक्यूमेंट को क्या किया, जमा किया। अब एक और होता है फ्रेंड, जैसे कहा जाता है कि मैं पढ़ना जानता हूँ, तो आई नो टू रीड, ये फ्रेंड गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। आप इन्हें बोलेंगे कि जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, कि इंग्लिश हो, आप बहुत लोग बोलते हैं आई नो टू रीड, ये नहीं होता फ्रेंड। जब भी कोई भी चीज़ हम जानते हैं तो वहाँ लगाएंगे हाउ टू, लगाएंगे नो के बाद। जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड, मैं नाचना जानता हूँ, आई नो हाउ टू डांस, मैं गाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू सिंग, मैं कूदना जानता हूँ, आई नो हाउ टू जंप, ऐसे लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे नो के बाद। ओके फ्रेंड, थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।